आज जा रहे हम कहाँ? ज्ञानी भाई के मीटअप में। मीटअप में लाइव डेट मेटल सेशन पे बात। लोगों को नहीं पता ज्ञानी कौन है। ज्ञानी एक यूट्यूबर है, अजीब सा यूट्यूबर है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। चलते हैं नेहरू प्लेस पर सेशन पे मेटल सेशन जाके देखते हैं और कैसा क्या होगा। जो भी होगा मैं पहली बार जा रहा हूँ इस मीटअप में, तो चलते हैं नेहरू प्लेस मेटल सेशन पे जाके देखते हैं। बहुत ज्यादा जाना है मारूंगा नहीं। मैं बता रहा हूँ ये बंदा बोले जा रहा है निंजा टेक्निक है, असली असली सीरियसनेस नहीं है मेरे नॉलेज में। भाई मैं नहीं सुनता भाई, भाई मैं नहीं सुनता। कितने चश्मे लिखा सीरियस लेंस भी एक खुद के चश्मे में तो सीरियसली बेचने की उम्मीद से आया बंदा चश्मे पे इतना टाइम दे रहा जितना हम अपने कपड़ों पे भी नहीं देते। संस्कारी तरीके से बात कर रहा हूँ, तुम मेरा उकसाओ मत अंदर का। हाउस का पुजारी भाई इंडियन रियल से मिलते थे, इंडियन निहाना से भाई ने चलो यार कोई आ रहे नहीं आ रहा, सब आ गए वाले बजे स्टोरी लगा दे एक बार। डालने पता मेहनत का काम है, मोबाइल निकालो इंस्टाग्राम खोलो फोटो खींचो स्टोरी पे क्लिक करो आप तो मेरे दोस्त। तकलीफ वाला काम ये नहीं है, तकलीफ वाला काम मुझे अपना चेहरा देखना पड़ता है। जबरदस्त से मारे बार, कई बार तो समझ में नहीं आता लड़के क्यों नहीं पड़ती तो सेल्फी खींच लेता हूँ। मैं ज्ञानी ऐसे नहीं बने। अरे आना मेरा भाई, क्यों यार इधर आ मेरे भाई, इधर आ क्या मेरा भाई, कैसा है तू भाई, कटमा मत जा, क्या हो गया क्या हो गया, कैमरे पे नहीं आना घर पे झूठ बोल गया भाई। तेरे 100 सब्सक्राइबर्स पे जब आपने अपना ऑफिस छोड़ा था ये पूरा इंटरव्यू करके आया यहीं। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था यार, मैं जब मैं जॉब कर रहा था मेरी 28 साल की ऑलमोस्ट, तो मैंने सडनली दिमाग इतना ठनका हुआ था ना कि ऑफिस वालों को बुलाओ माँ की और मैं आ गया घर पे। अच्छा अभी सडनली आया, मतलब ऑफिस गया था मैं, दोपहर में कुछ कांड हुआ छोड़ गया मैं घर आ गया और मैं बोला अब नहीं जाएगा वीडियो चालू। अब एक अच्छी खासी तो मैं सैलरी आ रही है और सडनली मैं छोड़ के बैठ जाऊँ तो वो दिक्कत वाली बात होती है, तो उस टाइम पे मुझे कन्विंस करना था कि अब मेरे को एक साल दे दो मैं वीडियो कराता है। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ उस टाइम पे, उनको कहाँ से यकीन होगा, जब मुझे खुद पे यकीन नहीं तो मैं कैसे करूँगा चीज़ें, तो फिर ये मैं बंद कर देता हूँ ये कहानी पता नहीं वीडियो में कभी भी। तो जैसे तैसे वो मैं कन्विंस गया, गाना बजाया था ये वो बहुत भाई कतई, मतलब जितने भी होते ना माँ बाप सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम ये सब चला था। पहला मैंने भाई सब पहला पैर तक गवाए मम्मी पापा के यार। जब सुबह टाइम पे नहीं उठता सुबह उठ के दूध लेने जाता था मैं, मतलब ऐसी नौबत आ गई थी मैंने ऊंचा तक लगा दिया। इतने नीचे तो मैं भी नहीं झुक पाया, मतलब जैसे तैसे उन्होंने हाँ कर दी, बट उस टाइम पे भी व्लॉग का मेरे को आइडिया नहीं था, मतलब वीडियोस का आइडिया नहीं था कैसे बनाते, क्योंकि मैं सिखाने वाला कोई नहीं था।
मेन सूत्र कंट्रोवर्शियल वीडियो बन रही है भाई। नियॉन मैन उठाएगा इन बातों को, पहले बता रहा हूँ मैं दूंगा नियॉन मैन। तुम में से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, नियॉन मैन ने मेरा एक टॉपिक कवर किया था बहुत पुराने टाइम पे। मैं उसको मना गया था मेरे बारे में बात मत कर, तब से वो मेरे टॉपिक उठाता नहीं। और तुम उसके बीच पहली चीज मुझे समझ में आता है न्यूज क्यों कहते हैं आप, सीरियसली तुम लोगों को फॉलो कर रहा वीडियो बना रहा बस। अभी कहानी बंदी बाजी लगा ना अभी एक तो मैं फेक कर नहीं सकता, तो मुझे रियल इमोशन चाहिए। तुम आज जाके वीडियो देखना फिर से, जो इमोशन देखें सारे रियल इमोशन, बट एक्चुअल बंदी नहीं है कोई। तो कैसे भाई कंटेंट चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को लगता है मैं ओवर एक्टिंग करता है। जैसे ही मैं ओवर एक्टिंग से ओवर हटाता तुम सबको यकीन हो जाता है ये सही बोल रहा है भाई, उदास लग रहा है। 99% मैं एक्टिंग कर रहा होता अपने वीडियो में भाई, सीख गया थोड़ा। वो तो अच्छी चीज है ना, मेरे स्कूल में मेरे टाइम में तो बताएंगे मेरे को ये करना है। अरे मेरे को कब पता चला, जब मैं 25 साल का था। मैंने भी शुरू करा था लेकिन फिर पढ़ाई की वजह से ना 12th क्लास आ गई, तो यार मैं चाहता हूं थोड़ा अच्छे से। मेरी कहानी का पूरा एग्जांपल है कि मैं अपने आप को बेच रहा हूं YouTube सक्सेसफुल करने के लिए। मुझे दिन भर में हजारों गालियां पड़ी, तेरी माँ की तूने सलमान ये भड़का हो तुम मैंने रजिस्ट्री करी भी क्या, ये भड़क गया था तो मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ उस चीज को, बट वो नहीं कर सकता भाई। मैंने कैरी को एक स्क्रिप्ट भेजी थी बहुत समय पहले, जब मैं स्ट्रगल, मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली इतना डेस्परेट था यूट्यूब काम करवाने के लिए, मैं सबको आइडिया भेजता था। मेरे को कभी भी ये देखो, पहली चीज तुम लोग कैरी को बड़ा बोल दोगे या तुम मुझे बड़ा समझ लोगे, मेरे लिए तुम और मैं दोनों सेम है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, क्योंकि तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ। और अगर तुम में टैलेंट है तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं, तुम अपने आप आ गया होगे। और ये चीज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मैंने बीबी को आइडिया भेजा हुआ है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, रिप्लाई तक नहीं किया। मैंने कैरी को भेजा हुआ है, उसने देखा नहीं, रिप्लाई तक नहीं किया। एटलीस्ट मैं एफर्ट डालता हूँ कि हाँ मैं रिप्लाई करूँ लोगों को, वो देखते भी नहीं। तो मेरा हिसाब सिंपल था, जब मैं कल रात को पी के मैंने रफ्तार को मैसेज मार दिया जैसे अभी तुम लोग मेरे को मिलना है, क्योंकि तुम जानना चाहते हो रियल लाइफ में कैसा है, कैमरे में कैसा है, तुम्हें दिख रहा है मैं ज्यादा डिफरेंट है, बस समाज के थोड़ा फर्क है। मेरा भाई कैसा है, मेरे से ज्यादा सेक्सी तू लग रहा है, तू मेरी वीडियो में मैं तेरे को हीरो बनाएगा यारी भाई। मतलब कई बार तुम लोगों की फोटो देख के मैं जल जाता है, क्यों इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मतलब एक बंदा है वो देहरादून का है, मुझे पता भी नहीं था वो यूट्यूबर, उसने मैसेज किया, मैंने उसके फोटो देखी, मतलब ये तो मेरे साथ काम करेगा एक्टिंग का ही नहीं है, मैं कराएगा इससे लड़कियां देखेंगी तो सही, देख रहे सारे लौंडे बस एक लड़की यही हमारा सेक्स रेशो चल रहा है, बढ़ा है अभी। भाभी के बारे में ज्ञानी छोटा है, ज्ञानी की हाइट छोटी हो सकती है पर ज्ञानी का लंबा दिमाग लंबा है, वो वही का वही है बुफली साइज का। भाई अगर तुम लोग सेल्फी खींच भी कैसे, मैं तो भाई देखते डर गया हूँ अपने आप, ऐसी बात नहीं भाई। ज्ञानी भाई फोटो, एक फोटो प्लीज। अबे आना मैं भाई ठुल्ले गाना आने के बाद वायरल होना चाहिए, ये गाना 25 तारीख को आएगा, वायरल होना चाहिए भाई। 25 फेब और 25 फेब को क्यों आएगा वो तुम्हें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। गाने का नाम है जा बहना जा, करेगी इस गाने को शूट करने में, ताकि तुम सारे रोते रोते याद करो अपनी एक्स को। तुम लोग कह रहे हो गाना गाने के लिए, और मेरे दिल में गाना आ रहा है तुम लोगों को चारों तरफ देख के, रजिया गुंडों में फंस गई। तू ब्रोसेना है, वो तेरे मुंह पे रिजेक्ट मारेगी फिर इलाके सोएंगे। कौन सा गाना कर दे, भाई थोड़ा सा क्या है शरारत करने दो, क्या करेंगे कल प्यार मोहब्बत की बातें, जिससे तू है आज तुझे समझा देता हूँ, बस ले मेरी पासवान, करने दे मुझे करने दे आज शरारत करने दे, करने दे मुझे करने दे शरारत करने दे,
बंदी तू है हसीन लंबी सुल्फे लंबी नींद लंबा मेरा भी क्या कर रहे हो बे भाई? ज्ञानी को तो गाने दो मेरे भाई। ज्ञानी डर की है मेरे भाई। मैं जब ये चीजें करता हूँ ना, मैं घर के अंदर करता हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो, संस्कार मैं अपने आप को स्वैगी बोलता है। ओके, तुम मेरे से ज्यादा स्वैगी हो। ब्रो स्वैगी है। तो जैसा तुमने देखा ज्ञानी भाई का मीटअप आज बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत अच्छा है, जेन्युइन बंदा है, बहुत जेन्युइन बंदा है ज्ञानी भाई। पीछे लोग सेल्फी ले रहे हैं, बहुत जेन्युइन बंदा है ज्ञानी भाई। जिन्होंने भाई का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके जरूर सब्सक्राइब करना, और अच्छा है। तो चलते हैं और भाई के साथ और मस्ती करते हैं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। बाकी चलो। अरे एक स्कूल के पोज में नहीं होता था वैसा, ले लेते हैं। अरे बिठाओ ना भाई, किसी को डीए जो इंडिया में आज तक किसी ने देखा। तो जब मैं बोलता हूँ ना ब्रोसी ना क्रांतिकारी, हम एक्चुअली इतिहास क्रिएट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट, और 2020 या 21 तक तुम्हें दिख जाएगा हमने क्या क्रिएट किया है साथ। अपने सपने अपनी काबिलियत से बहुत ऊंचे रखो, तभी काबिलियत बढ़ेगी। भाई है तेरे बंदी के बाल खुले बार भी बना दूंगा। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। चल छोटे जंप कर। जिंदगी का मोरल यही है, ये बहुत ज्यादा शर्मा है, कुछ बोलना ना मेरा है। बोल आओ ना भाई, भाई ज्ञानी भाई आज पता चला सीए के स्टूडेंट शर्माते भी है। सीए? अबे नहीं, ये मजबूरी होती है सीए की, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन क्लियर हो गया मेरे भाई। ज्ञानी भाई उधर बच्चे कह रहे शाहरुख खान है। ज्ञानी सेक्सी है, ज्ञानी सेक्सी है, रहेगा हमेशा। चलो यार चलते हैं, खत्म करते हैं। बाकी आज की वीडियो भी करनी है, तुमसे तो मिल गया, उनको भी कुछ दिखानी है। यही दिखा देना मोहित, ये देख कैरी मिनाटी का मोहित जो ढूंढ रहे ना, यही है, यही है। कर सब्सक्राइब। ओह चलो बाय गाइस।